हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लेक्चर 9 हमने देख लिया है। लेक्चर 9 जो फेडरलिज्म का पार्ट 5 था, उसमें हमने देखा है कैसे स्टेट्स अनइक्वल होते हैं और कैसे क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ये सब हमें मिलके स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाता है। तो अभी के वीडियो में हम लोग बाकी के पॉइंट्स को देखेंगे। तो होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताया करो यार, और थोड़ा शेयर भी मारा करो हमारी वीडियो को। तो रीजन नंबर 8 है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप किसी देश में रहते हैं, वो देश आपको स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता है, मेंबरशिप है ना। जैसे कि आप किसी क्लब में जाते हैं, जैसे कि हमारा एक क्लब है हैप्पी क्लब, अगर उस क्लब में हम लोग आ रहे हैं तो सब वही लोग आ सकते हैं जो इस क्लब के मेंबर हो। अगर आपको हैप्पी क्लब में ज्वाइन होना है तो आपको क्या करना होगा, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सेम थिंग होता है कंट्री के साथ कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको क्या लेनी होगी, यहाँ की मेंबरशिप। अगर नहीं लोगे तो आप रिफ्यूजी बन जाओगे। तो हम लोग इंडियंस हैं तो वी हैव मेंबरशिप, दैट्स व्हाई वी लिव इन इंडिया। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी। अब इंडिया में क्या होता है कि सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि हम बिहार के हैं तो बिहार का अलग पासपोर्ट लेंगे, और यूपी अगर जाएंगे तो यूपी के लिए अलग हमको वीज़ा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास एक आधार है और वो आधार क्या बनाता है, हमें इंडिया लेवल पे ये प्रूव करता है कि वी आर इंडियंस। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में फॉलो होता है। सेंटर जो है वो रूल बनाती है किसको सिटीजनशिप देना है, किसको नहीं देना है, क्या क्राइटेरिया होगा, स्टेट नहीं बनाती। अब अगर स्टेट बनाने लगे तब तो फिर बहुत भूचाल आ जाएगा। यूएसए जो है वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, क्योंकि वहां पे एग्रीमेंट होके स्टेट जो है वो साथ में गई है। तो वहां पे स्टेट जो है वो अपना अलग सिटीजनशिप देती है, और जो हमारा यूनियन है, यूएसए का यूनियन है, वो अलग सिटीजनशिप देता है। अगर आप वहां पे कैलिफोर्निया में रहते हो तो आपको कैलिफोर्निया का भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ यूएसए का भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाए, कैलिफोर्निया आपको डिनाई कर दे तो आपको किसी और स्टेट का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये व्यवस्था है ड्यूअल सिटीजनशिप का। आप एक तो आपकी यूएसए की सिटीजनशिप होगी, और एक आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ की होगी। स्टेट जो है वो सिटीजनशिप के लिए अपने रूल्स बना सकता है। हमारे इंडिया में ये नहीं होता। हमारे इंडिया में जी जो सेंटर है वही रूल बनाता है। तो ये था हमारा सिटीजनशिप। और अगर सिटीजनशिप यूनियन बांट रही है, दैट्स मेक यूनियन स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। तो इसलिए हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर बात आता है पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज यूएसए में क्या होगा, दो तरह की सर्विस होगी। एक होगी यूएसए की सर्विस, सेंट्रल सर्विस, और एक होगी स्टेट की सर्विस। हमारे इंडिया में भी यही चीज़ है, सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस। अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें देखिएगा, सब खास करके जो यूएस बेस्ड मूवी होती है, कि कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है, अचानक से वहाँ पे एफबीआई की एंट्री होती है और केस को टेक ओवर कर लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यही व्यवस्था होती है वहाँ पे। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट सर्विस जो होती है, वो यूएसए की अलग होती है। इसमें जो स्टेट में जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो स्टेट सर्विस के थ्रू आएंगे, और सेंट्रल सर्विस के थ्रू जो होंगे वो हमारे पूरे यूएसए को कंट्रोल करने के लिए होगा, वो सेंट्रल सर्विसेज के आएंगे। ये इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, जो सेंट्रल सर्विस होता है ये ऑल इंडिया सर्विस है। आप सेंट्रल सर्विस से जाइए, आपका अपॉइंटमेंट कहाँ होगा, स्टेट में होगा। तो ये इनडायरेक्ट कंट्रोल है जो सिविल सर्वेंट के थ्रू इंडियन का इंडियन सेंटर जो है वो स्टेट्स पे करती है ना। कि आप बीपीएससी से भी स्टेट सर्विस में जा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी से क्लियर करते हो तो यूपीएससी से भी आप डीएम बनकर कहाँ जा रहे हो, स्टेट में ही जा रहे हो। और इस तरह से ये क्या है, ये एक फीचर है जो हमारे सेंटर को स्ट्रांग बनाता है। बट यूएसए में अगर आप फेडरल सर्विसेज में हो सेंटर के, तो आपको सेंटर के ज्यूरिसडिक्शन में रहना पड़ेगा, और अगर आप स्टेट के हो तो आप स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में हो। दोनों अलग अलग है। तो सिविल और पब्लिक सर्विसेज में हमारे देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में एक इंटीग्रेटेड सर्विस टाइप का है, कि इंडिया में सेंट्रल सर्विसेज है वो स्टेट में भी ऑपरेट करती हैं। रीजन 3 में जब हम लोग जाएंगे तो ये है जुडिशियल सिस्टम। क्या कि भाई दोनों तरफ के जुडिशियल का क्या सिस्टम है। तो यूएसए में जुडिशियल सिस्टम क्या है कि अगर वहाँ पे कोई मैटर होगा, है ना, सपोज वहाँ पे कोई मैटर हुआ तो वो मैटर पहले डिसाइड होगा कि किसके अगेंस्ट में, यूएसए के अगेंस्ट में या कि पार्टिकुलर किसी स्टेट के अगेंस्ट में। अगर वो मैटर यूएसए से डायरेक्ट लिंक्ड है ना, एज अ होल कंट्री, तो वो सेंट्रल सिस्टम में जाएगा, जो बाइडन। और अगर स्टेट से कंसर्न है किसी स्टेट, ओहियो में मान लीजिए कोई कंसर्न गवर्नर के साथ में कोई आपका इशू है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ की स्टेट सिस्टम में जाना पड़ेगा। बट अगर आपको जो बाइडन के साथ में कोई पंगा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेंट्रल सिस्टम में जाना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था हमारी यूएसए में। जबकि आप इंडिया में आते हो तो इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब क्या, सब मिला हुआ है। सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, लोअर कोर्ट से आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सिंगल कोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। और अपॉइंटमेंट भी क्या होती है, तो कोलोजियम जो है वो बताती है कि किसको आपको सीजीआई अपॉइंट करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि
सेंटर जो है वो स्ट्रांग है, ना कि यूएसए। यूएसए में सेंटर के लिए अलग और स्टेट के लिए अपना अलग खुद का सिस्टम होता है जुडिशियरी का, बट इंडिया में ये सारा कुछ इंटीग्रेटेड है। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमारे सेंटर को स्ट्रांग बनाता है। लास्ट पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविजंस। यूएसए में स्टेट्स के पास पावर है कि वो इमरजेंसी को लागू करती नहीं करती है, उसमें यूएसए कुछ नहीं करता। कैलिफोर्निया है, वो अपना अचानक से वहाँ पे कुछ होगा तो वो क्या करेगी, अपने स्टेट में इमरजेंसी को लागू कर सकती है। बट हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में अगर इमरजेंसी लागू होती है जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, तो उस टाइम क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है वो यूनिटरी स्टेट बन जाता है, वो एक संघ बन जाता है, और वहाँ पे जो सारी की सारी पावर है वो सेंटर में चली जाती है। सेंटर जो बोलेगा वो केरला से लेके कश्मीर तक होगा। तो इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस अलग है, यहाँ पे स्टेट्स को पावर नहीं है, सेंटर को पावर है उसको इन्वोक करने की, और यूएसए में है कि स्टेट्स के पास पावर है कि वो इस इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू कर दें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे कि आखिर हमने फेडरलिज्म के इन 6 पार्ट्स में क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कंक्लूजन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा ना कि पूरा का पूरा फेडरल है ना ही यूनिटरी है। इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ, इसके पास दोनों के फीचर हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस का मतलब होता है अनोखा, और यही फीचर जो है वो हमें अनोखा बनाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूएसए को कॉपी करके फेडरल कंट्री बन सकते थे, बेस्ट फेडरल कंट्री बन सकते थे, बट हमारे इंडिया में क्या है कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है जी, यहाँ के स्टेट्स का सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। तो अगर हम लोग इस तरह की व्यवस्था को लाएंगे कि यूएसए की तरह करेंगे तो यहाँ पे मार हो जाएगा स्टेट्स के बीच में, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते थे। हमारे सेंटर को स्ट्रांग होना था, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रांग नहीं होते तो हम लोग इंडिया जो आज हमारा भारत है वो शायद नहीं हो पाता। ठीक है, इट इज क्वासी फेडरल और फेडरल विथ स्ट्रांग सेंटर, और ये जो फीचर है इंडिया का इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म, है ना। हम लोग फेडरल भी हैं, साथ ही साथ हमारे पास यूनिटरी फीचर भी है जो हमें एक अनोखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अब क्वासी फेडरल क्यों ही करना, तो इसका फायदा क्या है कि फ्री ट्रेड और कॉमर्स अलोंग द कंट्री, पूरे कंट्री में आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, इंटरवीन इन द डिस्प्यूट, अगर किसी दो राज्य में कोई बवाल हो जाएगा तो वेट नहीं करना है कि आप दोनों लड़के कट के मर जाइए, सेंटर जो है वो बीच में इंटरवीन करेगी और मैटर को सॉल्व करती है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, सभी मणिपुर में जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सेंटर वहाँ पे जाके अपने हाथ में कंट्रोल लिया और वहाँ के डिस्प्यूट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारा कुछ क्या है, क्वासी फेडरलिज्म है। वरना क्या होता, मणिपुर को मणिपुर पे ही छोड़ दिया जाता कि भाई मणिपुर आपके पास अपना खुद का पावर है, आप देखिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग एज होल इंडिया हम लोग वर्क करते हैं और मणिपुर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरे देश की प्रॉब्लम है। टू हैंडल डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्टेट, अब कोई स्टेट है जो बहुत ज़्यादा अमीर है ना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली अपना, उसके महाराष्ट्र, उसके बाद अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर के बेसिस में तो पंजाब, और कुछ स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, बिहार में है, उड़ीसा में, बाकी जगहों पे जहाँ पे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे गरीबी है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो स्टेट्स जो कि अमीर हैं वहाँ से जो भी रिसोर्सेज है उनको लेती है और जो गरीब हैं उन तक बांटती है, ताकि क्या और दोनों स्टेट्स में बराबरी आ सके, नहीं तो वरना अमीरी और गरीबी का जो ये गैप है वो बढ़ते जाएगा। तो ये जो डिस्पैरिटीज़ है उसको हैंडल करने में भी एक क्वासी फेडरलिज्म है वो काफ़ी हेल्प करता है। वरना अगर स्टेट्स इक्वल पावरफुल होती तो महाराष्ट्र बोलता है कि जो पैसा हम कमाएंगे वो महाराष्ट्र में ही खर्च होगा, तो सोचिए महाराष्ट्र कितना फेमस हो जाता, कितना ज़्यादा आगे चला जाता, और जिस स्टेट के पास में ये बेसिक जो नीड्स हैं उसके पैसे नहीं हो पा रहे, वहाँ पे जो गरीब स्टेट है वो क्या होगा, वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो इस तरह के दिक्कत से बचने के लिए हमें क्वासी फेडरलिज्म को अपनाना पड़ा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आए गए टॉपिक्स को देखेंगे। तो ये फेडरलिज्म का आज अंत था यहाँ पे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।